छन से टूटे शीशे जो बहने से रोको ना कि मन मर जाए। मैंने देख लिया, वो तुम्हें चाहती है और भरोसा करो उस पे और अपने जज्बात पे। तो हमेशा ये समझते रहे आपके ढोंग पर कि वो एक रात की दुल्हन को तलाक दे के चले गए, जालिम है वो, तुमसे हमदर्दी जताते रहे। वो तो असल अब खुला है। सफर छुट्टी पे गया हुआ था और फिर सरमद ने खुद ही कहा कि वो उनको पिक एंड ड्रॉप कर देगा। आप भी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना लेते हैं। परेशानी की बात है ये, बिल्कुल है ये। बासुकात लोग वो नहीं होते जो वो दिखाई देते हैं। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती सरमद मियां। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो, कब आते हो, कब जाते हो, कुछ पता ही नहीं चलता। अरे मैं ऑफिस ही जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा। लेकिन आपकी गुड मॉर्निंग इतनी सुबह सुबह कैसे हो गई? आपके लिए तो ये गालिबन फजर का वक्त है। नहीं हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी अभी मुर्गे ने बांग दी है। माने तो जैसे तुम बाप बेटे की रग रग में बहते हैं ना। ये बताओ कश्माला के साथ सीन ऑन हुआ या नहीं हुआ? ऊपर से कासिम कह रहे थे कि नहीं। अम्मा मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टेड है। मैं आपको तफसीलात वापस आके बताऊंगा, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। ऐसी भी क्या देर हो रही है, क्या खरीद लिया ऑफिस वालों ने रोहन? मुझे तो हर हाल में इस मकान के कागजात अपने नाम कराना है। कश्माला अगर हाँ नहीं करती तो ना से रोशनी से बड़ी हाथ ना आई तो छोटी पर ही डोरे डाले जा सकते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, किसी बहाने इन लड़कियों को यहाँ बुलाना होगा, वरना मेरा रूहान तो बिल्कुल ही गधा है। पर बाप पर गया चालाकी तो नाम को नहीं। बाजी बेगम तैयार हो गई आप? ओ बाजी बेगम ये लिबास फाखराना और इतने सारे जेवरात पहनकर आप जो वहां जाएंगी तो बंगाली बाजी का मुंह मोतियों से भरना पड़ेगा ना, और फिर वहां के वो लफंगे हो सकता है आप पे डाकासनी भी कर दे। चुप रहे कमबख्त, पहले हम पूरी रात सो नहीं सके इस फिक्र में कि पता नहीं हमारा वहां क्या हाल हो और तू हमारा खून खुश कर रही है। ये क्या है तेरे हाथ में? बाजी बेगम इसको बुर्का कहते हैं, हमारी औरतें पहनकर अपनी इज्जतों को महफूज समझती हैं इसमें। लेकिन आप पर कौन हाथ डालेगा? बाजी बेगम एहतियात तो लाजिम है ना, आप इसे पहन लीजिए फिर हम लोग चलते हैं वहां। गुलनार हम तो अब तक तुझे गलत समझते रहे। हम तो समझते थे कि तू अव्वल दर्जे की चोर, उचक्की, खुशामद पसंद, झूठी, मक्कार, पता नहीं क्या क्या समझते थे। लेकिन तू तो हमारी हमदर्द और खैखा निकली। ये बुर्का नया तो है ना, किसी ने पहना हुआ तो नहीं है? कसम से देखें, ये देखें इस पे अभी तक ये लगा हुआ है, बिल्कुल न्यू ब्रांड। यही कहते हैं ना बाजी बेगम, जामा कलात सिलाई हूँ, VIP दुकान है, नया बुर्का है बाजी बेगम। अब आप इसको जल्दी से पहन ले फिर हम चलते हैं। चलो ये ना बाजी। क्या है ये मुसीबत? बाजी बेगम गाड़ी तैयार है, चले। Thank you.
रोशनी, रोशनी कहाँ? ठीक है, तो फिर रोशनी हमारी हुई। ऐसा क्या हो गया मैडम, आपको यहाँ आना पड़ गया? कौन हो भाई तुम? मैडम मैं आपका स्टाफ कलीम। बज बेगम आप यहाँ थोड़ी देर बैठे। क्या यहाँ? हम यहाँ बैठेंगे? थोड़ी देर बैठ जाए, मैं अंदर देखकर आती हूँ क्या हो रहा है। कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। कि मन मर जाए। जी भाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन समिया अब तो रोहन ऊंची नौकरी पर लग गया है, अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए कश्माला के लिए, है ना कौसम? हाँ समिया, आखिर बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, कुछ तो हक बनता है ना तुम पर। बस भाईजान अफसोस इसी बात का है कि आपको अपने तो सारे हकूक याद रहते हैं लेकिन फराइज हर जाने दीजिए। समिया मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, अरे रोहन में कौन से ऐसे कीड़े पड़ गए हैं जो तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे? माना करोड़पतियों में शादी हो गई है तुम्हारी, मगर ऐसा भी क्या कि इंसान अपनों को खातिर में ही ना लाए? मैं इंसानों को कभी भी पैसों में नहीं तोलती। और जहां तक रही बात कश्माला और रोहन के रिश्ते की, तो कश्माला को रोहन में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए इस रिश्ते से आप इनकार ही समझें। खैर मैं आप लोगों के लिए चाय मंगवाती हूँ। ठीक है, तो फिर रोशनी हमारी हुई। कुछ कह रही थी आप, रोशनी के लिए रोहन का रिश्ता, अभी वो बहुत छोटी है और उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई। और दूसरा एज डिफरेंस भी काफी ज्यादा है, माफ कीजिएगा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वाह जी वाह। अरे साफ साफ क्यों नहीं बता रही कि तुम्हारे अपने यहाँ खुशखबरी है? बच्चियों की शादियां क्या करेंगी ये? इनके तो अपने ही अरमान पूरे नहीं हो रहे अभी तक। चलिए कासिम उठें, देखती हूँ मैं भी। अरे उठें, चिपक गए क्या? गुलनार नहंजर औरत कैसे खराब इलाके में लेके आई है हमें? क्या हुआ, रुक क्यों गए? बेगम बाजी आगे गलियां बहुत तंग हैं, गाड़ी नहीं जा सकती आगे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया था हमें? अब क्या करेंगे हम? वो बाजी बेगम आगे जाने के लिए सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है। पैदल, हम पैदल नहीं जाएंगे, इतना गंदा इलाका है ये, किसी बोरी में हमारा पैर पड़ गया तो हम तो हफ्ते भर तक गुस्सेखाने में बैठे रहेंगे। बाजी बेगम अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तरना तो पड़ेगा ना नीचे। अब बाजी बेगम अगर आप पैदल नहीं चलना चाह रही तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या हेलीकॉप्टर? नहीं नहीं, उससे भी बढ़िया रास्ता। आप आए तो सही, मैं अभी लेके चलती हूँ आपको। भाई कोई हमें पहचान ना ले। लेकिन नहीं, ऐसे वाहियात इलाके में हमारा कोई जानने वाला थोड़ी रहता होगा, है ना? पहुंच गए क्या? बस बाजी बेगम थोड़ा सा और पैदल चलना है,
वहाँ ये भी नहीं जा सकता। क्या मतलब? वाली बेगम पैदल चलना पड़ेगा। पैदल? क्या मुसीबत है? अरे भाई पैसे भी देने हैं अभी तो। ये लो भाई। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप यहाँ? ऐसा क्या हो गया मैडम जब यहाँ आना पड़ गया? कौन हो भाई तुम? मैडम मैं आपका स्टाफ कलीम। अरे यहाँ बाजी बेगम हर साल औरतों को सिलाई मशीन और राशन देने के लिए आती हैं। सामान कहाँ है? पीछे ट्रक आ रहा है। और तुम इससे मतलब? बात सुनो, हमारा रास्ता मत रोको, हटो पीछे हटो, हमें जाने दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस गुंजान आबादी वाले इलाके में? नहीं मैडम, मैं यहाँ तो बंगाली बाजी के दर्शन के लिए आया था। क्या कमाल की बाजी है, यूं मसले हल करती है। कई सियासी शख्सियात भी आती हैं उनके दर्शन के लिए। अच्छा अच्छा, अब वैसे तुम्हारा क्या मसला है? मैडम वो जरा औलाद का मसला था। बस बस खामोश। मैडम मेरी मानिएगा तो आप भी मिलती भी जाइएगा, दुआएं भी मिलेंगी, सवाब भी मिलेगा। क्या नूरानी चेहरा दिया है अल्लाह ने उनको। वाह वाह वाह। नहीं नहीं, हमें किसी बंगाली नेपाली बाजी की जरूरत नहीं है। तुम ना रास्ता नापो, हमें खिदमत खल्क के लिए जाने दो, हमारी राह खोटी मत करो। चलो आपकी मर्जी है मैडम जी, माफ कीजिएगा। चलो भाई। अबे तू कहां था इतने दिन से? अरे गुलनार, तो हमारी टांगे भी जवाब दे गई है, अभी और कितना चलना होगा। बस बाजी बेगम थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं। क्या मुसीबत है ये। बस बाजी बेगम थोड़ा सा ही है, आगे बस आगे आगे आए आप। कहाँ है आगे आगे करे जा रही है ये। बस ये देखें, ये आ रहा रास्ता ना, ये देखिए दिख रहा है ये। जी जी जी, ये जी जी, आ जाए आ जाए, जल्दी से आ जाए। बाजी बेगम आप यहाँ थोड़ी देर बैठे। क्या यहाँ? हम यहाँ बैठेंगे? थोड़ी देर बैठ जाए, मैं अंदर देखकर आती हूँ क्या हो रहा है। ऐसे जाओ जल्दी करो, बदबू आ रही है सख्त। अले अले मुझा मार बड़ा, मुझा जोगी बड़ा। तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस प्लेनेट से आए हो, मार्स या जुपिटर? मेरी अम्मीजान कहती हैं कि तुम नाभशा में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारी शक्ल सूरत बिल्कुल नवाबों की तरह है और तुम्हारी शान और शौकत बिल्कुल बादशाहों की तरह। Very interesting. किसी सर्कस में काम करते थे या थिएटर से आए हो? मैं नवाब शाह में पैदा हुआ हूं, अंडरस्टैंड? और तुम मुझे ये बताओ, तुम दिन में ही इतना लाइट मारती हो या रात में भी चमकती हो बिल्कुल 200 वाट के बल्ब की तरह? अरे तुम्हें इंग्लिश भी आती है, इसका मतलब तुम हो तो इसी जमीन के, लेकिन तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो? कहीं खजाने का नक्शा तो नहीं मिल गया? चलो जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ पे। अरे क्यों जाऊं, खान सामा हूं यहाँ का, बटलर। और वो नहीं है अपनी गुल्लार, उसका बिल्कुल सगा भाई हूं मैं। आशिक हुसैन, अम्मी जान ने नाम रखा है ये मेरा। ओ अच्छा, तो तुम गुलनार के भाई हो, ऐसे बताना था ना, जिसकी नौकरी की सिफारिश वो कश्माला से कर रही थी। गुड। अच्छा तो तुम ऐसा करो कि किचन में जाओ ना, तुम्हारा काम वहीं पर है, और मेरे लिए अच्छा सा ऑमलेट बना के लाओ प्लीज। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि क्या खाएंगी आप? अपने दिल को फ्राई करके लाऊं हाफ या फुल, या अपने जिगर का कटा कट लेके आऊं, या फिर? अरे नहीं, मैं ऐसी हराम चीजें नहीं खाती,
तुम बस मेरे लिए अच्छा सा मुर्गी के अंडे का ऑमलेट बना के ले आओ बस। अभी लाया, एक सेकंड में मुर्गी के साथ अंडा लेके आऊंगा ऑमलेट का। हाँ हाँ वाकई शर्म की तो कोई बात है ही नहीं। तो बच्चियों के होते हुए दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी की तो क्यों, उस पे एक और औलाद। अगर मेरी बहन ने काम किया होता तो एक हंगामा खड़ा कर देते तुम। इस पानी को जो सुबह शाम पिएगा वो सब पे हाकिम होगा, हर कोई उसके हुक्म की तामील करेगा। ये बुर्का ओढ़ कर ये नकचड़ी बड़ी भी गई का, मैं बता रही हूँ इट्स नॉट नॉर्मल। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, हाँ मर जाए। ये लो अम्मा। ए, ए, ये क्या? एक मंगा समझता है मैं? लंगर का खाना देके जा रहा है, उठा इसको। तौबा करो अम्मा तौबा, डरो उस वक्त से, वो वक्त आएगा जो यरीस तुझे ठुकरा दे, लग पता जाएगा। और हाँ, अगर यहाँ मांगने नहीं बैठी हो तो आई क्यों हो, जाओ अपने घर। चल चल जा अपना काम कर। हेलो चलो ना, क्या मुंह देख रहे हो, जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ, गर्म क्यों हो रही हो, जाओ ना अब। बाजी बेगम चले। गुलनार मर दिल चाह रहा है कि अभी हम वापस अपनी कोठी में चले जाए, हमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अरे ये कौन सी दुनिया है गुलनार, हमें तो कभी इससे आगाही नहीं हुई। बाजी बे यही असल दुनिया है, मकरो फरेब और नाकाबले बर्दाश्त दुनिया। छोड़े आप आई ना अंदर, आजे आजे आजे। कैसे मुंह में उंगलियां डालकर बैठे हुए थे, हाँ बहन की इस हरकत पर कुछ बोला नहीं गया। अरे भाई मैं क्या कहता, वो समझदार है, शादीशुदा है, और फिर इसमें शर्म की क्या बात है। हाँ हाँ वाकई शर्म की तो कोई बात है ही नहीं। तो बच्चियों के होते हुए दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी की तो क्यों, उस पे एक और औलाद। अगर मेरी बहन ने काम किया होता तो एक हंगामा खड़ा कर देते तुम। तुम्हारे खानदान में तो दो दो शादियां, तलाकें, और उसके बाद अल्लाह माफ करे घर छोड़ के मैके जाके बैठ जाना आम रिवाज है। खबरदार जो समिया का कुछ कहा। सब देख रही हूँ मैं, चूटी के पर निकल आए। जानते हो ना चूटी के पर कब निकलते, हाँ मुझे इस बात की परवाह नहीं है, समिया की औलाद हो या ना हो, बस रोशाने का रिश्ता उसे मेरे रोहान के लिए देना ही होगा, ये मैंने सोच लिया है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए जहेज में, ना कपड़ा ना लत्ता ना जेवर, रुपया पैसा कुछ भी नहीं। हाँ बस छोटी सी चीज दे दे, सिर्फ इस घर के कागजात मेरे नाम पर कर दे समिया, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। फजूल बातें मत करो, मेरा तो दिल हर वक्त धड़धड़ करता रहता है, घबराहट होती रहती है मुझे कि आखिर हम कितनी लालच करेंगे, चार दिन की जिंदगी है। ओ सूफी साहब बस तुम्हारी होगी चार दिन की जिंदगी, मैं तो 100 पूरे करूंगी, देखना पोता पोती को खिलाऊंगी। ठीक कह रही हो वैसे तुम, जो औरतें अपने शौहरों पे जुल्म करती है ना वो उन्हें मार के तवील अरसा जिंदा रहती है। मेरी दवा ला दो खुदा की बंदी, हर वक्त ये जेवर मकान पैसा शादी यही कुछ सुनने को मिलता है इस घर में। खुदा के वास्ते दवाई ला दो मुझे। ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये लो जाओ जाकर अपने मियाँ को पानी में घोल के पिला देना, सारी जिंदगी तेरा गुलाम रहेगा, जा जा। रुक, किसने कहा है बैठने के लिए, जब फरियादी बादशाह के महल में आता है तो वो खड़े होके बात करता है, बैठता नहीं है, तुम्हें जानो ना। ओ बंगाली
हमारा मतलब है बंगाली बीबी। हमारा एक मसला है जो वो ये है कि हम जानते हैं तुम्हारा मसला। कोई औरत है तुम्हारा मसला जो तुम्हारी खुशियों की दुश्मन है, जो तुम्हारी कामयाबी की राह में रोड़े अटका रही है। यही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है बंगाली बीबी। आप तो दिलों का हाल जानती हैं। अच्छा देखिए, हमारा मसला ये है कि वो एक लड़की है आफत की परकाला कश्माला। हम चाहते हैं कि वो हमारा पीछा छोड़ दे। आवाज नीचे करो। ये बंगाली बाजी का आस्ताना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बंगाली बाजी की आवाज गूंजती है। क्या चाहती हो तुम कि तुम्हारा जो दुश्मन है उसके चीटड़े करके चील को खिला दें, उसकी कोरमा और बिरयानी बनवाकर लंगर में तकसीम करवा दें, और वैसे भी हमारे मुरीदों को इंसानी गोश्त की बिरयानी बहुत पसंद है। लड़की दो मुझे ये। बस आप कुछ ऐसा कर दे कि वो लड़की जो है वो हमारी कोठी को छोड़ के खुद ही चली जाए। बाजी बेगम, वो आपकी बेहुदा बेबाक तस्वीरें, खतूत और वो मोहब्बतनामे। मोहब्बतनामे किसने किसको लिखे हैं मोहब्बतनामे? हमें जल्दी बताओ, हम उसे अभी नफरत नामे में बदल देंगे। वो कुछ लोग बाजी बेगम को बदनाम करना चाहते हैं। बाजी बेगम की अजीब शर्मनाक तस्वीरें बनाकर खानदान भर में मिठाई की तरह तकसीम कर रहे हैं। बाजी बेगम की इज्जत रखवा दीजिए खानदान में। बंगाली बाजी, हम आपके पास इसीलिए आए, आप हमारा थोड़ा सा ख्याल कीजिए। अम्बू बम्बू शिगड़ी का शंबू, अंगूठी उतार। ये अम्बू बम्बू शिकड़ी का शंबू, ओकस पोकस गिली गिली गु, ये हरा हरा काम में खरा, इसको दे। ये पानी बंगाल का पानी है, वहां का जादू अपना सानी नहीं रखता। इसमें उल्लू के नाखून और तोते की चोंच की फक्की मिली हुई है। इस पानी को जो सुबह शाम पिएगा वो सब पे हाकिम होगा। हर कोई उसके हुक्म की तामील करेगा। बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया नवाजिश बंगाली बीबी। इस पानी को पी के खानदान वालों के सामने बैठ जाना, वो शेर से बकरी बन जाएंगे और जो तुम कहोगी वो ही कहेंगे, वो उस बात को मानेंगे। अब जाओ, शाबाश, जाओ। अब बंगाली बीबी आप बहुत ही अजीम है। अब देखो ना, इतनी बड़ी शिफात, इतनी बड़ी करामात आप मुफ्त में तकसीम कर रही हैं। बेशक मुफ्त, ये माल दौलत रुपया पैसा धर्म डॉलर हम कबूल नहीं करते। बस 600 से 800 गज का प्लॉट फेज 8 में हमें जल्द अज जल्द अतिया कर देना, वरना हम ऐसा उल्टा अमल पड़ेंगे कि तुम यहाँ से जाके अपने महबूब के कदमों में उल्टा पड़ोगी। अम्बू बम्बू शिकड़ी का शंबू, ओकस फोकस गिली गिली गो, जाओ यहाँ से जाओ। हेलो। हाँ ट्रम्प, क्या मसला है तुम्हारा? ऐसा करो, वो तावीज प्रिंट करवा के उस चुड़ैल के दहलीज पे गाड़ के आ जाओ। कौन सा? ये हम तुम्हें अभी व्हाट्सएप करते हैं। ये लो। Thank you.
कश्माला कश्माला इधर आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। पता है इतना आला करेक्टर आया मैं घर में, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगी। अरे क्या चीज है, कौन सा पीस है भाई? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, जाओ तुम यहाँ से। ये गुलनार का भाई है, अपने आप को शाहरुख खान समझता है। ये मेरी प्यारी रोशनी के लिए, दिस फूल इज ओनली जस्ट फॉर यू रोशनी। अरे वाह, ये तो लव एट फर्स्ट साइट निकला। अरे वाह, इसका प्यार तो ऐसे आर पार हो जाएगा सबके। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? इसी वक्त जाकर अंडों का हलवा बना सकते हो मेरे लिए। अरे ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, और वैसे भी मेरी प्यारी अम्मी जान कहती हैं कि आशिक हुसैन, प्यार में देर नहीं करनी चाहिए। बस अभी लाया मुर्गी के साथ, एक सेकंड में ले लो क्या याद करूं। गुलनार, ये दम किया हुआ पानी और ये अंगूठी, जब भी इन्होंने उस बदतमीज कश्माला का बेड़ा गर्क करेगा। चलो आई लव बाजी यार। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अभी अभी वो तुम्हारी खूबियां गिनवा रही थी, उनका बस चले ना तुम्हें कच्चा चबा के खा जाएं, फ्राई किए बगैर। यार पता क्यों क्यों मुझे इतना प्यार आ रहा है उनपे? क्योंकि जब दुश्मनी होती है ना तो टक्कर की होनी चाहिए। ये हाथी और चूंटी, शेर और चूहा, नहीं नहीं ये नहीं चलता हमें। शेर और शेर, हाथी के साथ हाथी, तब आता है ना लड़ाई में मजा। अब तुम क्या करने वाली हो? माफ कर दो ना यार, पहले ही तुमने सरमत को पानी में डुबोया है, उन्हें फ्लू हो गया है। दुश्मन से कभी हमदर्दी नहीं करते रोशाने, मजबूत रखो अपना दिल। और ये नफरत की जंग है समझी तुम, और नफरत की जंग में सब जायज है। अब मेरे लिए पानी लाओ। खुद भी ले सकती हो, हद होती है। पूर्ण इस बोतल को अलमारी में मुकफ्फल करके रखो, उस बेहुदा वाहियात और हवाई दीदा लड़की को कानो कान इस बात की खबर ना हो। पकड़ो। और ये अंगूठी पूरी जिंदगी अपने साथ रखे। वैसे बाजी बेगम, ये अंगूठी और ये पानी, ये दोनों चीजें मुझे यकीन है खानदान भर में आपकी इज्जत दोबारा बहाल कर देंगी। बेहुदा लड़की ने वो वाहिया तस्वीर सारे खानदान में गर्दिश करा दी। नहायत ही साजिशी किस्म का मंसूबा था उसका, लेकिन हम न सिर्फ उसके इस मंसूबे को नाकाम बना देंगे बल्कि हम उसको इस कोठी से ही निकलवा देंगे। बिल्कुल बाजी बेगम बिल्कुल। क्या बदबू आ रही है हमारे अंदर से, किस गलाजत को हम फलां के उस क्या नाम था उसका बंगाली बाजी क्या पहुंचे थे। हमें तो अब अर्के गुलाब से गुस्ल करना होगा कई दिन तक। जा रहे हैं हम, फेंक दो इसको उठा के। वैसे रोशनी, इस पानी में और वो जो डायन ने हरी बोतल में पानी पकड़ा हुआ था, क्या फर्क हो सकता है? ये बुर्का ओढ़कर ये नकचड़ी बड़ी भी गई कहां थी? मैं बता रही हूं इट्स नॉट नॉर्मल। हमारे खिलाफ इस कोठी में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकड़ी है, या तो हम इस खिचड़ी को खा लेंगे या इस हांडी को गिरा के तबाह बर्बाद कर देंगे।
गुलनार को हाजिर किया जाए। मुजरिम गुलनार हाजिर हो। एक बात मेरी और याद रख, तू जो सौदा सल्फ लाएगा ना, उसमें से जो पैसों में डंडी मारेगा मेरे हाथ में लाके रखने हैं तूने। देख आखिर को तू भी तेरी छोटी बहन हूँ। तीन खुशियां तो आपके मामू लेके आ गए इस घर में, मिसेस खान, रोशाने और वो क्या नाम है उस लड़की का, आप कश्माला, कश्माला और अकजैब खान। के मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। के मन मर जाए। लठे दी चादर उत्थे सलो दी रंग माया, आओरे सामने। अच्छा एक बात बता गुलनार, ये अल्लाह ताला ने तेरे भाई को एक खूबसूरत और हसीन नौजवान पैदा किया है ना, बता ना। हाँ मेरे वीर, तेरे जैसा तो शहजादा पूरे गांव में नहीं, अल्लाह की कसम। बताऊं तुझे, तू तो इन कपड़ों में भी कसम से रईस लगता है, रईस। ये बात कह के ना तूने मेरा दिल ही जीत लिया, और अगर मैं काला चश्मा रात में पहन लूं ना, ओ फिर तो मैं और ज्यादा हसीन लगूंगा। हाँ वैसे एक बात बताऊं तुझे, तुझे यहाँ बुलाने का मेरा एक मकसद है, एक तो तेरी नौकरी और दूसरे। और दूसरा जल्दी बताना जल्दी। मैं समझ गया, एक तो ये कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए और मेरे सिरे के फूल भी जल्दी से खिल जाए। मैं हसीन के साथ साथ अकलमंद भी हूँ ना, है ना। नहीं नहीं नहीं, तोबा तोबा, अल्लाह ताला ना हुसून पे गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। बस मैं हूँ खूबसूरत, लेकिन बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और एक बात बताऊँ तुझे, इस कोठी में तेरे लिए छोकरी भी है और नौकरी भी है। सच्ची आपा, एक बात बोलू, ये बात कह के ना तूने कसम खुदा की मेरा दिल लूट लिया, और कसम से मैं तो जब से आया हूँ ना उसके हुस्न से पागल हुआ चला जा रहा हूँ मैं। वो भी बहुत खूबसूरत है, मुझसे थोड़ी कम लेकिन है। अच्छा अच्छा, तू उतावला ना हो, आज मैं तेरी मुलाकात करवा दूंगी। और एक बात सुन, किचन में दिल लगा कर काम कर। एक बात मेरी और याद रख, तू जो सौदा सल्फ लाएगा ना, उसमें से जो पैसों में डंडी मारेगा मेरे हाथ में लाके रखने हैं तूने। देख आखिर को तू भी तेरी छोटी बहन हूँ, लेकिन ब्याह के बारे में मैं नहीं तो सोचना है, तो पैसे देगा तो मैं जमा करूंगी ना ब्याह के लिए। अच्छा ये बात है, कितना प्यार करती है ना तू मेरे से, तू उसकी तो फिक्र ही नहीं कर। और जहां तक पैसों की बात है ना, 500 रुपए रख ले, आज का तेरा प्रॉफिट मैंने बचाए, बताना नहीं किसको। क्या बताना है, क्या बात है भाई, कमाल किया तूने तो। आप एक बात बता, इसको सुरमा पसंद है, मैं अगर और सुरमा लगा लूं तो और हसीन हो जाऊंगा। हैं? हाँ हाँ भर भर के लगा, एक तो तेरे नैन नशीले, ऊपर से तू सुरमा लगा के काफी ही हो जाएगा। बस एक दफा हुमा हाथ आ जाए, अल्लाह की कसम सारे काम उस पर टिका के ना खून का सांस होगी, महारानी बनकर बैठूंगी। हमारी खुशियों की चाबी। क्या हो रहा है अम्मी बेगम? जश्न। जश्न? किस चीज का जश्न? कोई खुशी की खबर है क्या? अभी तो मैंने कश्माला से शादी का जिक्र भी नहीं किया, और अम्मी बेगम जश्न की तैयारियां कर रही हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तीन खुशियां तो आपके मामू लेके आ गए इस घर में, मिसेस खान, रोशाने और वो क्या नाम है उस लड़की का, आप कश्माला, कश्माला और अकजैब खान, वो जो भी नाम हो, हम तो उसे बदतमीज, जबान दराज, बेहुदा वाहियात लड़की के नाम से पुकारते हैं।
अगर सरमद मियां ने कश्माला से शादी के ख्याल को अपने दिल से नहीं निकाला तो हमें मोनी के चारे को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे तो अच्छी बात है ना कि मेरी पूजा करते हैं। तुम भी तो अली तो आपके घर पे दौलत पे दिल और दिमाग पे नागिन बनकर बैठी हुई हो। मेरे घरेलू मामलात में अगर आप मुदाखलत ना करें तो ही बेहतर होगा। क्या हो गया तुम्हें? सरमद कश्माला को पसंद करने लगा। रियली? यार अब तुम्हारे गुरु ने भी गिव अप कर दिया, हार मान लिया मैंने। पैकिंग करो अपनी जाके, डेफिनेटली अम्मू को छोड़ देंगे आपको। और ये आंटी ड्रैकुला तो हमें घर से निकाल देंगे, बस नहीं चलता उनका।